YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल जन्म कुंडली निर्माण वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासु, आज मैं आपके समक्ष मासिक राशि भविष्य फरवरी 2021 का मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गोचर ग्रहों के अनुसार दर्शाने जा रहा हूं। मकर राशि राशियों की श्रृंखला में दसवें नंबर की राशि है। दसम नंबर की राशि होने से और इसका स्वामी शनि होता है। अब मकर का स्वरूप क्या होता है, स्वभाव क्या होता है और उसका ग्रहों का जब प्रभाव इस फरवरी मास में इसके ऊपर कैसा पड़ेगा वो दर्शाने जा रहा हूं। मकर अर्थात होता है मगरमच्छ। संस्कृत में मगरमच्छ को मकर कहते हैं। मकरमच्छ का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो मकर लग्न राशि वालों का होता है। अब वो कैसा होता है वो बता रहा हूं। मकर जो है सो मगरमच्छ हमेशा पानी में लंबायमान होकर के ऐसा पड़ा रहता है, बिल्कुल जैसे लकड़ी पड़ी हो, कोई मूवमेंट नहीं करती, कोई हलचल नहीं और एकदम शांत होकर के पड़ी रहती है। आप क्या समझेंगे, लकड़ी पड़ी है, छद्मवेश रहता है उसका हमेशा, यानी उसके अंदर छद्म स्वभाव होता है, छल करने का स्वभाव होता है। तो ये मकर जो है, मगरमच्छ जब उसको बदला लेना होता है, उसकी वो पानी में लकड़ी छड़ी के पड़ी है, उसको टोह जो रहती है बहुत दूर तक की शिकार का टोह करती रहती है और शिकार अगर पानी में घुसा तो धीरे से अंदर से ही अंदर पानी के अंदर जा करके और सीधी जैसे अपने शिकार को कैच कर देती है। तो इस प्रकार से मगरमच्छ होता है, सुहावना दम्बा शरीर होता है और सुहावना रूप भी अच्छा देखने में अच्छा लगता है। प्रायः मकर लग्न के राशि के व्यक्ति देखने में अच्छे सुंदर होते हैं, सुहावना रूप रंग होता है, रंग थोड़ा सा हल्का रहता है लेकिन इतना अच्छा लगता है वो हल्का रंग कि सुहावना दिखता है, छप अच्छा दिखता है उनका, लंबा शरीर होता है और बहुत सुंदर देह के होते हैं। ये हंसते हुए कभी इनके एक्शन नहीं करते, गुस्सा में प्रेमालु स्वभाव के दिखते हैं लेकिन प्रेम जो है वो ऊपर दिखता है, अंदर तो उनके अंदर जो है सो है लेकिन बाहर से वो प्रसन्नचित्त दिखेंगे। उनका जो फेस कट है उसमें चेहरे मोहरे पर कभी क्रोध झलकेगा नहीं, ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये तो हमारे मित्र हैं। अगर आपके शत्रु भी हैं और वो आपके पास, तो मित्रवत व्यवहार करेंगे और कभी भी अपने एक्शन नहीं करते चेहरे का, सीधा फैक्शन करते हैं, ये उनके स्वभाव में स्थिति होती है। कभी भी जो है तो मकर लग्न राशि वाले व्यक्ति सामने से प्रसन्न चित्त देखेंगे और ऐसा मान हंसते हुए क्रोध करना, क्रोध का हंसते हुए यानी प्रसन्न रहते हुए भी क्रोध, ये कला किसी में नहीं आती, मकर लग्न में आती है, हंसते हुए क्रोध करना। क्रोध दिखेगा नहीं, वो क्रोध अंदर है, बदला ले रहे हैं लेकिन मुंह में आकृति में गुस्सा नहीं दिखेगा आपको, ये विशेषता होती है। अब ये
पृथ्वी तत्व की लग्न है, पृथ्वी तत्व की राशि लग्न है ये। पृथ्वी तत्व का स्वभाव क्या है? तत्र गंधवती पृथ्वी नित्या अनित्याश्च। पृथ्वी जैसे गंधवान होती है, स्वाभाविक खुशबू पृथ्वी में होती है। जब पहली बरसात होती है तो आप देखना सोनी सोनी गंध आती है पृथ्वी में, जब बारिश होती है तो बड़ी अच्छी लगती है। तो इनके शरीर में प्राकृतिक रूप से सुगंध रहता है। इनको किसी प्रकार का सेंटेंट लगाने की जरूरत नहीं रहती, प्राकृतिक रूप से कुछ रहता है। नित्या अनित्याश्च, क्षमावान होती है पृथ्वी। कितना ही भूमि में अगर यदि भ्रष्टाचार करो तो भी पृथ्वी कभी क्रोधित नहीं होती, क्षमा करती रहती है। लेकिन जब भूचाल आता है तो कनक भूदरा काहर शरीरा भयंकर क्रोध आता है, और फिर उस एक्शन ही होता है। इस प्रकार से ये पृथ्वी तत्व की लग्न का स्वभाव बताया। और ये चर स्थिर दुई स्वभाव, चर लग्न है, चर यानी चलायमान, हमेशा चलायमान रहती, एक जगह स्थिर नहीं रहते, हमेशा चलायमान रहते हैं। घूमने फिरने में जाने आने में आलस नहीं है इनको। ये मकर लग्न राशि का स्वभाव स्वरूप बताया। अब मकर राशि के ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव फरवरी में पड़ने वाला है वो बता रहा हूं। मकर का स्वामी होता है शनि, शनि वायु तत्व का होता है, तो इनकी प्रकृति भी वायु तत्व की होती है। और शनि जो है तो बहुत धीमी गति से अच्छा काम करता है, ये लोग भी धीमी गति से अच्छा कार्य करते हैं। तो ये शनि का जो स्वभाव है, प्रभाव है, वो सब इस लग्न राशि वालों के लिए होता है। इस समय शनि मकर राशि पर ही चल रहे हैं। केंद्र में शनि अगर ये मकर राशि पर हो तो सस नामक राजयोग बनता है। शुक्र से माधव योग, गुरु से हंस योग, बुध से भद्र योग और मंगल से रुचक योग और शनि से सस योग। तो ये सस नामक राजयोग मकर लग्न राशि वालों के लिए इस समय चल रहा है। राजयोग का अर्थ क्या है? उनको किसी प्रकार की धन मान की कमी नहीं रहती, हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से ही धन संपन्न होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करें ज्यादा फल इनको मिलता है। मकर रस इस समय लग्न में ही शनि चल रहा है, राशि पे ही शनि चल रहा है, और जहां शनि बैठता है वहां आनंद कर देता है, लेकिन जहां दृष्टि मारता है वहां विनाश करता है। अब जैसो शनि कहां, एक तो पराक्रम भाव को देख रहा है, तो मेहनत थोड़ी सी ढीली पोड़ी है, छोटे भाई बहनों के प्रति थोड़ा रुझान ठीक नहीं है, बैर सा होता है, पत्नी से भी मन मुटाव सा रहता है, समय समय पर अच्छे बोल लेना फिर कभी जो है मन मुटाव हो जाना। और आपके जो सो पत्नी से और भवन भूमि वाहन ऐसो और माता से थोड़ा सा विरुद्ध होना, या माता का सुख उसमें कमी होना, माता से दूरियां होना। तो इस प्रकार से इस समय शनि का एक पूरे फरवरी में ऐसा स्थिति बनने वाली है। गुरु की स्थिति क्या है? गुरु भी आपकी राशि पर ही चल रहे हैं, मकर पर ही हैं। गुरु क्या कर रहे हैं? संतान की उन्नति कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वाले छात्रों के लिए ज्ञान संपादन अच्छा करा रहे हैं, और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता करा रहे हैं, पत्नी का सुख दे रहे हैं, पत्नी को सुख दे रहे हैं, और पत्नी से मधुरता भी बना रहे हैं।
भाग्य के स्थान पर बहुत ज्यादा उन्नति करा रहे हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे वो ज्यादा फल मिलेगा। क्या होता है, भाग्य एक बहुत बड़ी चीज बताई गई है, लेकिन कर्म उससे भी बड़ा होता है। हमारे कर्म दो प्रकार के माने गए हैं। भाग्य क्या है? भाग्य कर्म से बढ़ता है। आपका कर्म जैसा होता वैसा भाग्य बनता है। कर्म के प्रमाण, कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म है, जो प्रारब्ध में, जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं, और एक क्रियमाण कर्म जो इस समय हम कर रहे हैं। तो दोनों कर्मों का जो प्रतिफल है तब भाग्य की उन्नति कहलाती है, तब वो भाग्यशाली कहलाता है। अब संचित कर्म क्या है? दोनों का कर्मों का एक साथ होना ही आपके भाग्य की उन्नति का प्रतिफल मिलता है। संचित कर्म क्या? जैसे हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा, दान दक्षिणा दी होगी, भजन पूजन किए होंगे, और किसी का कल्याण किया होगा, ऐसा जो हमने पूर्व जन्म में कर लिया है, तो उससे क्या हो गया, हमारी नौकरी मिल गई, हम नौकरी मिल जाती है। पूर्व जन्म के संस्कार से आपको आजीविका मिल गई, लेकिन आजीविका मिलने मात्र से आपका भाग्य की उन्नति नहीं हुई है। अब क्रियमाण कर्म जो इस समय आपको करना होगा, यानी 1 तारीख से 30 तारीख तक रोज ड्यूटी पे जाएंगे, इसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। इस कर्म को करने के बाद में 1 तारीख को जब तनख्वाह मिलती है तब भाग्य की कहलाती है, हमारे भाग्य से हमको तनख्वाह मिल गई। तो संचित और क्रियमाण दोनों को प्रतिफल भाग्य होता है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो ऐसे नहीं मिलता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर अगर कहे कि मैं सो रहा हूं और हिरण मेरे मुख में आ जाए, वो नहीं आ सकता, उसको कर्म करना पड़ेगा, हिरण के पीछे दौड़ना पड़ेगा। अब उसके भाग्य में है तो उसको मिल जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। लेकिन आप पड़े रहेंगे और मेरे भाग्य में सब कुछ आ जाएगा, ये संभव नहीं। कर्म उसको करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर्म करे, और जैसा कर्म करेगा वो फल देगा। आप जो भी नौकरी का कर्म कर रहे हैं, व्यवसाय का कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो फल तो मिलेगा, लेकिन करेंगे तब। पूर्व जन्म के आधार पर आपको मिल जाएगा, लेकिन भाग्य नहीं बनेगा, मिलने में कोई संदेह नहीं, मिल जाएगा। आप पढ़े भी रहेंगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन उसका रसस्वादन नहीं रह सकते। शेर के मुख में हिरण आ जाएगा, मुख के पास तो आ जाएगा, लेकिन जबड़ा शेर को खोलना पड़ेगा अपना, और उसके हाथ पैर चलाना पड़ेंगे, तब वो मुख में जाएगा। तो संचित कर्म के आधार पर तो हिरण आ चुका था आपके पास में, लेकिन आप संचित कर्म के साथ क्रियमाण कर्म करेंगे तब पेट में हिरण आपके जा सकेगा। तो इस प्रकार से कर्मवादी बनाता है ज्योतिषी। तो अब इस समय कर्म स्थान पर आपके पंचग्रही योग चल रहा है, गुरुदेव चल रहे हैं लग्न में आपकी राशि पर, शनिदेव चल रहे हैं उनका फल बताया, सूर्यदेव भी 14 तारीख तक चलेंगे, फरवरी तक। अब 14 तारीख तक आपकी राशि पर चल रहे हैं, तो आपकी राशि पर सूर्य जब जाते हैं तो थोड़ा सा आपका उत्तेजना बढ़ जाती है, क्रोध बढ़ा देते हैं, लेकिन आपका स्वाभिमान भी बढ़ाते हैं साथ साथ में। और उसके पश्चात 14 तारीख के बाद में कुंभ पर पहुंच जाएंगे, आपकी राशि से दूसरे हो जाएंगे, तो दूसरे सूर्य क्या करेंगे, धन हानिकारक हैं, कुटुंब में विरोध कारक हैं, ये सब कराने वाले हैं।
बुध देव अभी राशि पर चल रहे हैं आपकी, बहुत अच्छा फल दे रहे हैं व्यापारी वर्ग के लिए, वणिक जाति के लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इनकी कुछ विशेषताएं ये हो जाएंगी, नए आयाम जुड़ेंगे और आपका कर्म क्षेत्र यानी धंधे का और ज्यादा बढ़ावा हो जाएगा, नए नए उद्योग खुलेंगे, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये बुधदेव की स्थिति है। शुक्रदेव 4 फरवरी के बाद आपकी राशि पर आ रहे हैं, अभी बाद में चल रहे हैं राशि पर, जब शुक्रदेव आ जाएंगे आपका पत्नी से प्रेम जुड़ जाएगा, स्त्री जाति से लाभ होने लगेगा, स्त्रियां जो कार्यरत है उनके लिए बहुत लाभान्वित होने का समय है, पदोन्नति हो सकती है उनकी और शुक्र अच्छा कार्य कराने वाले रहेंगे। आपके चेहरे पर जब ग्रह बदलते हैं तो चेहरे मोरे पे स्वभाव में रूप में रंग में सब में अंतर आ जाता है। इस प्रकार से शुक्रदेव का बताया। मंगलदेव जो है इस समय मेष राशि पर चल रहे हैं, 22 फरवरी से ये मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि पे जाएंगे। तो वृषभ पर जाएंगे तो मकर कुंभ मीन मेघ वृक 5 में हो जाएंगे, अभी चतुर्थ चल रहे हैं। तो मंगल देव जो चौथे हैं वो थोड़े से चिंता कारक बने हुए हैं, माता को कष्ट दे रहे हैं, विवाद घर में परिवार में करा रहे हैं, भूमि से संबंधित नुकसान कर रहे हैं, लेकिन 22 तारीख से ये परिवर्तन हो करके 5वें हो जाएंगे। 5वें जो है सो क्या करेंगे, 5वें जो है सो आपके संतान के उभाव पर जाएंगे, वहाँ पर बुद्धि विवेक जो है वो थोड़े कमजोर कर देते हैं मंगल 5वें। और राहु देव जो है वो मकर राशि से वो वृषभ राशि पर चल रहे हैं, वो भी 5वें चल रहे हैं, तो राहु और मंगल दोनों एक साथ हो जाएंगे तो संतान के लिए पीड़ा कारक बन जाएंगे, विद्या बुद्धि के लिए पीड़ा कारक बन जाएंगे। इस प्रकार से मंगल देव का काल राहु देव का बताया। और आपके केतु हैं वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं, तो आपकी राशि मकर है, मकर से जो वृश्चिक राशि है वो 11वीं है, विशेष लाभदायक हैं, यानी इस समय लाभ की दृष्टि से जो मकर राशि वाले हैं उनको मंगल बहुत वरदान बना हुआ, केतु वरदान बना हुआ है, अचानक लाभ देने का संयोग बनाएंगे। इस प्रकार से जो ग्रह हैं आपके पूरे महीने भर अच्छा बुरा फल देने वाले, मिला जुला फल देने वाले रहेंगे। हरिओम।